हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही स्पेशल जगह पे हैं, हिडन जेम ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन अमेरिका। दिस इज़ द प्लेस और इसका नाम है दियानत सेंटर ऑफ अमेरिका। ये बहुत स्पेशल जगह है। इट्स जस्ट नॉट अ मॉस्क, इट्स अ, पहले तो बात मेन जो इसकी अट्रैक्शन है दैट इज़ द मॉस्क, हम उसी तरफ चलते हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट अ मॉस्क, ये एक पूरा सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सारी आपको कोशिश करेंगे कवर कर सकें और दिखाएं। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं, ये एरिया आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़े एरिया पे इन्होंने बनाया हुआ है और कोशिश की है कि इस एरिया को कवर कर सकें। यहाँ पे आप ये नीचे जा रहे हैं तो दिस इज़ मल्टीपर्पज़ रूम। कुछ रूम्स मैं अंदर नहीं दिखाऊँगी ज़्यादातर, पर कोशिश करूँगी। अब जैसे ही एंटर होते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएं, तो पहली जो बिल्डिंग आपको नज़र आएगी एंटर होते ही, दैट इज़ टर्किश बाथ एंड स्पोर्ट्स सेंटर। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बच्चों के मेरे ख्याल में कुछ कोर्ट्स भी हैं। और टर्किश बाथ जो होती है ना, जो सुल्तान सुलेमान लेता था, इज इट क्लोज्ड? क्लोज्ड, नीचे से खुली होगी। हाँ, अभी हम सुबह का टाइम है तो यहाँ पे सिक्योरिटी है। यहाँ की पार्किंग का तरीका ये है कि आप ना इधर से नीचे चले जाएं तो नीचे सारी पार्किंग बनी हुई है और ऊपर का जितना भी एरिया है वो नीचे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे 5-6 चीज़ें हैं जो इसमें आते हैं। यहाँ पे गेस्ट रूम्स भी हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं, यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे मॉस्क है। तो गेस्ट रूम्स, पहले जो ये बिल्डिंग आ रही है ये गेस्ट रूम्स की बिल्डिंग है। एंड हम लोगों ने भी इस दफ़ा, बिलाल के एक्चुअली फ्रेंड एक टर्किश हैं, उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि यहाँ पे बुक कराओ ताकि यू गाइज़ विल इंजॉय दैट टर्किश। मैंने बिलाल को कहा था मुझे टर्की ले जाओ, नाउ लुक एट द मॉस्क। मैंने बिलाल को कहा था मुझे टर्की ले जाओ, बिलाल ने यहाँ पे कमरे बुक करा लिए, कह रहा है टर्की इंजॉय करो, कोई नहीं लेके जा रहा टर्की। हाँ, वो टर्की नहीं, टर्की इज़ अ कंट्री एज वेल। बिलाल ने कहा इसी टर्की को एंजॉय कर लो, मेरे उधर टर्की ले जाने के पास मेरे लिए पैसे नहीं है। बस जो लुक एट द व्यू, चेक करेंगे मॉस्क का, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। अभी हम आपको अंदर लेके जाते हैं पर पहले पहले बाहर की चीज़ें बता दें। तो ये हैं गेस्ट रूम्स, ठीक है, इनमें एक कमरा है आपके डिपेंड। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कमरा अभी हमारे पास है जिसमें 4 सिंगल बेड्स हैं, तो बड़ी फैमिली के लिए ये पूरा गेस्ट रूम है। यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे बैठ के, मेरे ख्याल में कॉमन रूम है, इसमें किचन भी है, कॉमन किचन है सब रूम्स के लिए। हम लोग अभी 3rd फ्लोर पर हैं और यहाँ पे 2nd फ्लोर पे मेरे ख्याल में लेडीज़ का कॉमन रूम एरिया भी है जहाँ पे लेडीज़ कलेक्ट होती है। सो दिस इज़ देयर गेस्ट ब्लॉक। इस तरफ आप मॉस्क देखें, इसको अभी हम चेक करेंगे। तो चले फिर आते जाए, मौसम बहुत खूबसूरत है। इस टर्किश मॉस की जो स्पेशल चीज़ें वो अंदर भी मैं आपको चल के बताती हूँ। सारी टर्की से इन्होंने इंपोर्ट की हैं दरवाजे और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब ये दूर से नज़र आती है, इतनी प्यारी है। अगर कोई समबडी इज विजिटिंग हियर, आप आ रहे हैं वॉशिंगटन DC, तो इस चीज़ को बिल्कुल ना मिस करें। और इनके चार्जेस जो है रूम्स के भी इतने ज़्यादा नहीं है, ऑल दो इसमें नाश्ता इंक्लूडेड नहीं है, पर नाश्ता के लिए यहाँ पे आप मॉस के पीछे ही देखें, वो कैफेटेरिया है, हम उधर अभी चलेंगे। पहले बिलाल इधर से दिखा दो ये वाला एरिया। यहाँ पर गेस्ट रूम्स के साथ साथ गेस्ट हाउसेज भी हैं। हाउसेज जैसे आप लोगों की फैमिली है, पूरी फैमिली कज़न वगैरह की 15-15 लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने घर बनाए हैं जिसको आप रेंट कर सकते हैं। घरों का रेंट है तकरीबन पर नाइट से 700-800। आप इनको फ़ोन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पीछे बच्चों का प्ले एरिया भी है। यहाँ पर इस्लामिक क्लासेस भी होती हैं बच्चों की, कुरान की और वगैरह की। ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं ना, नाउ लुक एट दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे इसके गेस्ट हाउसेज हैं। तो यहाँ पर आकर, ये बहुत खूबसूरत है अंदर से, इनकी डेकोरेशन आप सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। प्रॉपर घर है यहाँ पे, 2-2, 3-3, 15-15 लोग रह सकते हैं एक फैमिली। ये बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ से
लोग निकलते हैं नाश्ते की तरफ, कैफेटेरिया की तरफ। इस पीछे ब्लॉक में देखेंगे तो हम रह रहे हैं, वो दिखाएंगे आप। मेरा चश्मा गाड़ी में गया। बिल्कुल बिलाल देखो टर्किश टाइप के घर बनाए गए इनको ना, यहाँ से देख के लगता नहीं है कि अमेरिका में घर बने हुए, जैसे सुल्तान सुलेमान अर्तुगरुल टाइप के घर इन्होंने जानबूझ के कंस्ट्रक्शन दिए ताकि चले। तो चले अब हम पहले मस्जिद चल रहे हैं। मस्जिद में जाने के लिए ऑफ कोर्स आप अपना सफर कवर करें क्योंकि मस्जिद का एहतराम ज़रूरी है। तो पहले हम चलेंगे मस्जिद का विजिट करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या है। आ जाएं हम। गिफ्ट शॉप्स भी हैं ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मॉस्क का फ्रंट का एरिया दिखाना चाह रही हूँ। ये कैफेटेरिया, अभी आपको कैफेटेरिया भी दिखाऊंगी बट मैं आपको मॉस्क फ्रंट से कैप्चर करके दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत मॉस्क है। फिर हम अंदर चलते हैं, पहले मॉस्क चलते हैं और उसके बाद देन वी विल गो टू। अब हम मॉस की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम एक तो मौसम इतना खूबसूरत है, ऊपर मॉस इतनी प्यारी बनाई है, दिल ही खुश हो जाता है देख के। बहुत ही खूबसूरत मॉस है। अगर आप क्लियर आई डोंट नो कि कैमरा उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉस्क। जूते कहाँ पे उतारते हैं? ये तो वजू की एरिया है, ऐसा तो नहीं है लेडीज यहाँ पे नहीं आ सकती? चेक कर ले। ये वजू का एरिया है ना? ये तो वजू का एरिया है। आगे मॉस्क है। हाँ मेरे ख्याल में जूते उतारते हैं। आ जाए, ये जैसे ही आप एंटर होंगे गिफ्ट शॉप नीचे भी है ठीक है। आगे आगे बिलाल जूते आगे आ जाओ। ये यहाँ पे वजू का इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है। जस्ट लुक एट दिस, सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल में फजर पढ़ के लोग जा चुके हैं। खूबसूरती आप चेक करें, सारी चीज़ें ज़्यादातर टर्की से ही मंगाई गई हैं। ब्यूटिफुल। प्लीज नो शूज ऑन द कारपेट। जूते बेटा आप उतार लीजिए। तो आ जाए हम अंदर की तरफ चलते हैं। आप ये चेक करें, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ। ब्यूटिफुल सुभान अल्लाह। इसके ये चेक करें, एक मिनट बेटा दरवाजा बंद करिए, ये चेक करिए ना खूबसूरत है। वाओ माशाल्लाह। या यू कैन, दिस इज द मेन मॉस्क एरिया, दियानत सेंटर ऑफ अमेरिका। हाँ पहले ये तो दिखा देना माशाल्लाह। वाओ, ओ माय गॉड, ऊपर से चेक करें, ये ले। अमेरिका में इतनी खूबसूरत मॉस्क कौन है? ऐसा ही लग रहा है जैसे टर्की में है। मामा, मेरे ख्याल में बिलाल वहाँ पे अजान, या वहाँ पे अजान देते हैं मेरे ख्याल में। ये नहीं, लेकिन वो बाइक वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक
ये सारी चीज़ें इन्होंने टर्की से, टर्किश गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रोवाइड की हैं इनको। ये लोग यहाँ पे निकाह वगैरह सेरेमनीज भी होती हैं, करते हैं, और मतलब कितनी खूबसूरत ऐसे लग रहा है जैसे टर्की में आप हैं। ये एक पूरा अलमास कल्चरल कॉम्प्लेक्स है और मॉस्क तो डेफिनेटली एक यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ही है। तो ये शैंडलियर चेक करें आप, हम ऊपर लेके जा रहे हैं। ये सोचे रात को जब लाइट, बिलाल हम रात को विजिट करेंगे, मैं रात को भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर विजिट मेनली जो है ना रात को ही करना चाहिए, जो लाइट्स जो है ना, ये चेक ऊपर से कैसा आ रहा है। यहाँ से देखें, मैं फ्रंट से आपको दिखाती हूँ। ओके बहुत ही हसीन मास्टरपीस है। इस तरह आए और आप ये ना देखें तो आपने वाकई ये चीज़ मिस करी है। उनके लिए स्पेशली आज रात को जैसे ही हम वापस आते हैं ना घूम कर, तो मैं आपको यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह का भी दिखाऊंगी, क्योंकि रात को यहाँ की जब लाइट्स चमकती होंगी तो नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होता होगा। इतनी साफ, पूरा सेंटर ही इतना साफ है, मतलब बहुत ही प्यारे, वेल मैनेज्ड है। और इसके साथ मेरे ख्याल में टर्की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, लेकिन लोग ऑफकोर्स मामा। ये देखें किस तरीके से विंडोज, एक एक उस तरफ देखें, या चेक करें, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। चीज़ें देख लें, आ जाए बाबा, बाहर चलते हैं। ये यहाँ की बसों की जगह है, शूज़ पहने मेरे ख्याल में, लेकिन जब बढ़ जाते होंगे ना फिर यहाँ पे भी मॉस्क हो जाती होगी। ईद की मस्जिद भी मॉस्क की क्लीनलीनेस का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है ना, तो आप उसकी वजू की जगह से मेजर कर सकते हैं। ये देख रही हैं इसकी कितनी साफ सुथरी वजू की जगह, तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में ईद नमाज जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते होंगे ना, तो इसको भी ये लोग मस्जिद में कन्वर्ट कर, अंदर ओके। तो बस टर्किश कैफेटेरिया इंजॉय करना है, इसका नाम डीसी कैफे है, कल्चर सेंटर है, इसमें भी शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं। ये चलना है बिलाल इधर, ये कल्चरल सेंटर है बिल्कुल साफ। आप ही पकड़े ये बिलाल ने पकड़ लिया, वरना मेरे सारे व्यूअर्स जो है ना मुझे पकड़ लेते। मैं इसको काटूंगी नहीं, मैं लगाऊंगी, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं किस तरह की गलतियाँ करती हूँ मुँह से बोलते हुए। तो इस तरफ आएंगे तो दिस इज कल्चरल सेंटर। हेलो, ये इनका ये है इनका कल्चरल सेंटर। Now you can see के यहाँ पे एलिवेटर है, तो यहाँ पे आप यू कैन सी के आप किस किस फ्लोर पे क्या चीज़ें हैं। अभी जो है बेसमेंट पे मैंने बताया कि पार्किंग जो है हर बिल्डिंग से रिलेट कनेक्टेड है, और इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर पे है इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ऑडिटोरियम यहाँ पर है, ट्रेडिशनल आर्ट, गिफ्ट शॉप भी यहीं पर है। और या इफ़ यू वांट टू गो, लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर पर है, रिसर्च सेंटर, अकाउंटिंग, टेक रूम, कॉन्फ्रेंस एरिया, ये वाटर फाउंटेन लगे हुए हैं।
कॉन्फ्रेंस रूम है और बेचारी ये गिफ्ट शॉप है, मेरे ख्याल में अभी बंद रही है, अभी या तो चीजें उठा ली हैं। और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो क्लोज ना, दिस वन। हाँ ये भी स्टोर है, अभी बना रहे हैं, चीजें डाल रहे हैं। आ जाओ चलो, रेस्ट रूम भी। यहाँ पे आप अपनी टर्किश एयरलाइन की भी है, ये देखें टर्किश एयरलाइंस का भी मेरे ख्याल में यहाँ पे आप अपनी बुक करा सकते हैं, टिकट्स वगैरह इनसे पूछ के, दे हैव लाइक। अभी इन्होंने मेरे ख्याल में ये चीज़ें लानी हैं, देखें ये कह रहे हैं शॉपिंग इन स्टाइल, ये जो भी इनका गिफ्ट एरिया है ना, सर्विसेज, ये कहाँ पर है? वी डिलीवर वी एलोपिनो अफगान कबाब, यस माय सिस्टर्स लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ये चेक करें, ज़बीहा हिलाल यहाँ पे एलोपिनो। आज है कैफेटेरिया, हम आ गए, हमें और कुछ नहीं, खाने पीने से ज़्यादा मकसद है। वाओ, मॉस्क के बिल्कुल सामने ही कैफेटेरिया है, एंजॉय करें। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, वाओ ये तो बहुत सस्ते हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लीज ऑर्डर हेयर। गुड मॉर्निंग, ये टर्किश रेस्टोरेंट है और इनकी अपनी नाश्ते में भी डिशेस होती हैं, लंच में भी, और बहुत ही यमी। आप जैसे एंटर होते हैं इसकी खुशबू ही आपके दिमाग पे चढ़ने लग जाती है। ये नाश्ता है, कंप्लीट नाश्ता, यू कैन परचेज दिस, जो मैं आपको सारा नज़र आ रहा है। बाकी ये टर्किश बंस हैं, इन बंस में भी दो किस्म की टाइप थी, एक विद चीज़ और ये पेटीज टाइप हैं, इनका भी कुछ नाम है, एक चीज़ के साथ हैं, एक मैश्ड पोटैटोज़ के साथ। बाकी साथ में आप देखें ये पीटा ब्रेड साइड पे, अभी ये पूरा नाश्ता है, ये सारा एक ही में आता है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आप ट्राई करना चाहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस हैं, आज तो हमने नहीं ट्राई किया था, कल हमने ट्राई किया था, ये पीटा ब्रेड्स हैं, बीफ के साथ हैं, सॉसेजेस के साथ हैं, एवरीथिंग इज़ हलाल। ये डिज़र्ट्स हैं, ये कुनाफा की कोल्ड वर्जन है, इट वाज सो यमी, आई ट्राइड इट वेरी नेक्स्ट डे, उसका भी आप व्लॉग में देखेंगे, बट बहुत यमी था, चॉकलेट मूज और इस तरह के डिज़र्ट्स, वेरी यमी, मतलब बहुत ही मज़े के थे, टू गुड। पर यहाँ पे इंडिविजुअल एक पर्सन भी कर सकते हैं, $19 का था। इसमें मैंने खोल के देखा था, एक में मिक्स वेजिटेबल्स थी और एक में राइस वग़ैरह थे, बाकी अंडे शंडे आप बनवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। बट आप रेस्टोरेंट को चेक करें, ब्यूटीफुल, मज़ा ही आ गया। मैंने तो भाई अपना नाश्ता ले लिया, क्योंकि मुझसे डोनट खा के मेरी तो बज गई थी, और मुझे ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा लगा है, इधर आके मैं कल जो है ना नाश्ता करूँगी। और बेटा बिला ले, पकड़ लो, तुमने अपने लिए कुछ जूस वगैरह ले लेती ना? नहीं मेरे लिए ठीक है, मैं पानी, वाटर इज इनफ फॉर मी, वरना मैं वहाँ से टर्किश कॉफ़ी बना रहे हैं, मैंने कहा दूध जितना डाल सकते हो खुला डालो, जहर बनाई होगी उन्होंने, पूरी नस्लें जो है तबाह हो जाए, हाँ ऐसा हो गया, पूरी नस्लें जो है तबाह हो जाए। चल मेरा, मैंने तो ले लिया है गाड़ी में चल के, क्योंकि हम लोग वेट करें, हमने निकलना है वॉशिंगटन के लिए, सो वी आर ऑलरेडी लेट, बच्चों को बीच में डंकिन भी रुकना है। चलो तो चले भाई, हमने अपना नाश्ता पकड़ लिया, क्योंकि मुझे इतनी उनकी खुशबुएं अच्छी लग रही थी, मेरे बच्चों को पसंद आया, मेरे बच्चे कहते हैं नहीं, मैंने तो ले लिया, अब मैं चल के गाड़ी में खाती हूँ, और दलाल ने भी ले लिया, देन वी गो टुवर्ड्स। आपको दिखा देती हूँ, ये आपको सामने मॉस्क नज़र आ रही है, अभी हम वापस आए हैं, तो मैंने कहीं दिखा दूँ, हम थर्ड फ्लोर पर थे, यहाँ पे एलिवेटर्स वगैरह हैं,
सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. दिस इज़ आर रूम. हमने रूम थोड़ा बड़ा किया था क्योंकि ऑफकोर्स आई एम अ मॉमी. सो अभी हमारा सामान बिखरा हुआ है. ऑफकोर्स हमें आज थर्ड डे है तो अब उस तरीके से तो आप कमरा नहीं देख सकेंगे जैसे बहुत ही 100% होता है. बट मैं दिखा देती हूँ कि हम लोगों के कमरे में क्या था. एक सिटिंग एरिया है कम्प्लीट यहाँ पर, ठीक है. वो अलग बात है कि हमने जो अभी हाल किया हुआ है वो मेरा सारा मेकअप बिखरा हुआ है. अब मैं सारी चीज़ें समेट दूंगी. बट वेरी स्पेशियस रूम. कबर्ड्स पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हैं. क्यों कबर्ड ज़्यादा है मुझे नहीं पता. एक दो तीन अंदर कमरे में भी है. बाकी आयरन वो पड़ी है, आयरन देते हैं. और स्टडी टेबल्स भी बहुत ज़्यादा हैं. जैसे अभी अब मेरे बच्चों ने सारे ताली में बालगा शुरू कर दी थी. एक दो थ्री. सो टीवी भी व्हाट आई वाज टेलिंग. साथ में ये बेडरूम है. बेडरूम में ये भी मैंने बेड अभी ख़राब किया. वैसे सारे ये क्लियर बेड्स हैं, ठीक है. हमारा अस्पताल खुल जाता है रात को सोने के टाइम. सो मतलब ये कि कमरा रोज़ साफ़ कर देते हैं. एवरी थिंग टुडे इज़ आवर थर्ड डे. कॉफ़ी टी वगैरह यहाँ पर है. फ्रिज भी है खाना ला के. बाकी वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस है. चेक करें. बट द गुड पार्ट ऑफ वॉशरूम इज़ आपके वो लगे हुए हैं. बिडेट कहते हैं या मुस्लिम शावर कहते हैं, वो लगा हुआ है. सो बिलाल आप लोग आ गए. सो चलें फिर इसी पे हम ख़त्म करते हैं. मैंने दिखा रहा था कि कमरे काफ़ी स्पेशियस हैं. हमें आराम चाहिए था, कंफर्ट चाहिए था. तो इट वाज फेयर. सबसे बड़ी बात जो होटलों में कुत्ते होते हैं जिससे मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बहुत अफ्रेड है. क्या नहीं होता ना, आप जा रहे होते हैं तो आपने क्या आपने एलिवेटर खोला है तो आप जैसे ही निकल रहे हैं तो पता नहीं है दो तीन कुत्ते वहीं हो सकते हैं. तो अच्छा है यार इस कुत्ते तो नहीं है. टुडे इज आवर लास्ट नाइट. सो हम अभी आके थक हार के अभी सोएंगे. या इंशाल्लाह टुमारो हमारा सफर शुरू होगा तो वो हम पैकिंग शैकिंग कर लेंगे. सॉरी अभी मुझसे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चीज़ें सारी साफ करके आप लोगों को कमरे साफ दिखाऊं. आप लोगों को पता चल जाए साफ चाहें. टॉवल भी रोज फ्रेश रख के जाते हैं कि हमाम ले लें हमाम. चलो भाई मैं सो रही हूँ, मैंने काम करना. बाबा टेक केयर.